हो गया सर। सुप्रभात बच्चों, तो आज से पुनः हिंदी की पुस्तक की पढ़ाई होने जा रही है। विगत एक लंबे समय से मैं आप लोगों को व्याकरण की जानकारी देता आया हूँ। यह भी जरूरी था क्योंकि आप लोगों का व्याकरण पोर्शन जो है, सो मैंने अनुभव किया है कि व्याकरण पोर्शन बहुत ही अच्छा नहीं है, इसलिए एक लंबे समय से मैं व्याकरण को खींचाऊँ। और जिसका व्याकरण बिल्कुल सही हो, हिंदी में वही आगे बढ़ सकता है। व्याकरण की जानकारी जरूरी है। उसके अलावा जैसे ये किताब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें भी व्याकरण है। इसके जो प्रश्न उत्तर होंगे उसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो व्याकरण से संबंधित होंगे। तो व्याकरण की जानकारी होने ही पर ना आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए व्याकरण पर विशेष बल दिया गया। लेकिन आप लोग उब गए होइएगा व्याकरण से, इसलिए मैं पुनः इसको चेंज करके और हिंदी भाषा में चला आया हूँ। तो 1 to 5 तो मैंने पढ़ाया ही था, परीक्षा भी हुई, नहीं हो जाती है तब तक आगे बढ़ना भी मेरे समझ से उचित नहीं होगा, इसलिए 5 to 10 का ही रिवाइज पुनः मैं करवा रहा हूं। तो आइए, चैप्टर 6 है मनुष्य ही महान। ये चैप्टर 6 है मनुष्य ही महान। इस चैप्टर में, इस कहानी में कवि ने मनुष्य की महानता का वर्णन किया है। मनुष्य को जो भगवान बनाए हैं उसमें सारा गुण और अवगुण भरा हुआ है। अंतर यही है कि जो अवगुण को त्याग देता है, गुणी उनको अपना लेता है, उसको समाज में अलग प्रतिष्ठा मिलती है, और जो गुण को नहीं अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा अवगुण को अपनाता है उसे समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उसकी उपेक्षा होती है। यद्यपि एक मनुष्य जाति ही ऐसी है जो चाहा इसने कर लिया, इसी के प्रयास से तरह तरह के अति आधुनिक मिसाइल्स तैयार हुए, परमाणु बम तैयार हुए, रेल दौरी, हवाई जहाज, कितना कहें, अजूबा से अजूबा चीज मनुष्य ने ही किया। तो मनुष्य तो महान है, इसी महानता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है। यह एक तरह से वाद विवाद संवाद है, इसमें एकांकी समझिए इसको, कि इसमें कुछ पात्र हैं, पात्र में बादशाह अकबर हैं,
वजीर बीरबल हैं और सभासद, सभा में बैठने वाले लोग कुछ बच्चे हैं। माने राजा कौन हुए, बादशाह कौन हुए, अकबर, और वजीर उसके मंत्री हो गए बीरबल, और दोनों के बीच जो बातचीत होती है उसको सुनने वाला भी तो चाहिए ना, तो उसको कहते हैं हम सभासद। सभासद में बैठने वाले कुछ बच्चे हैं। इतना ही है इस एकांकी के पात्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंच को सजाया गया है, स्टेज सजी हुई है। उस स्टेज पर बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ है। किसी विषय को लेकर चिंता है, तनाव है और जिज्ञासा भी है। अकबर बीरबल से पूछते हैं उसी दरबार में सन्नाटा छाई हुई है, लोग चिंता मग्न हैं, किसी चीज को जानने की लोगों में जिज्ञासा भरी हुई है, अकस्मात अकबर ने बीरबल से कुछ प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं बीरबल मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछना चाहता हूं तुमसे। बीरबल कहता है हाँ हाँ जहां अपना पूछिए ना, क्यों नहीं। तो अकबर का प्रश्न है बीरबल से कि तुम इस धरती पर के लोगों को महान क्यों मानते हो। एक ही प्रश्न है कि तुम इस धरती पर के लोगों को महान क्यों मानते हो। अब बीरबल का जवाब सुनिए। महाराज आपका प्रश्न अति सुंदर है, बहुत सुंदर है, और यह प्रश्न में गहराई भी है। आपका प्रश्न सुंदर है और गहरा भी है। तो जान लीजिए आपकी नजरों में तो मानव बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरी नजरों में मानव सुंदर नहीं, सुपरलेटिव सुंदरतम है। मैं मनुष्य को सुंदर नहीं सुंदरतम मानता हूं। मैं यदि सभासदों से पूछूं तो क्या आप मुझे इजाजत देंगे। अकबर प्रसन्न होकर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, पूछ सकते हैं आप। आम के आम और गुठली के दाम, मुझे उत्तर भी मिल जाएगा, सभासदों का मनोरंजन भी हो जाएगा, इसलिए सभासदों से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बीरबल कहता है धन्यवाद जहां अपना और सभासदों की ओर उन्मुख होकर
कहते हैं कि मेरे प्रश्न का आप जवाब भी दे सकते हैं या फिर आप कोई दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं। अब सभी सभासद सभा में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो आपस में कहते हैं चलो ये तो ठीक है, चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी। जब देखो बीरबल, हम जैसे कुछ भी नहीं, बीरबल बीरबल कहते हैं कि हम जैसे कुछ भी नहीं है। सभासद बीरबल से कहते हैं बीरबल इस बार प्रश्न हम तुमसे पूछेंगे, बीरबल प्रसन्न हो जाता है, कहता है ठीक है पूछो। पहला सभासद पूछता है अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, इसका जवाब अकबर देने ही वाले थे कि इतने में दूसरा सभासद प्रश्न कर बैठा, ठहरिए बीरबल अभी ठहरिए, पहले सुन तो लीजिए। बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है हाँ ठीक है कहिए कहिए। दूसरा सभासद कहता है अगर न होता सूरज दिन में प्रकाश फैलाता कौन, फिर तीसरा प्रश्न करता है अगर न होते बादल नभ में इतना जल बरसाता कौन, चौथा कहता है अगर न होती निर्मल नदियां हमारी प्यास बुझाता कौन, चौथा कहता है कि अगर न होती निर्मल नदियां तो हमारी प्यास बुझाता कौन। जब पांचवा सभासद कुछ नहीं बोला, चार सभासद ही बोले, तो उसके बाद बीरबल भी अपना मुंह खोले, नहीं बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं अगर न होते हम अर्थात मनुष्य, अगर न होते हम धरती पर तो इसका महिमा गाता कौन। जब मनुष्य ही नहीं होता तो ये सूर्य चंद्रमा नदियां पहाड़ है ना बादल ये सब की महिमा कौन गाता। अब देख लीजिए कि अगर भक्त नहीं हो तो भगवान की महिमा इस पृथ्वी पर रहेगी कदापि नहीं। एक भक्त ने ही भगवान की महिमा को बढ़ाया है और सदैव बढ़ाता रहेगा। लेकिन कल्पना करो कि अगर भक्त ही नहीं हो तो इस पृथ्वी पर भगवान का क्या काम। उसी प्रकार बीरबल कहते हैं
मैं आपकी बात को बिल्कुल मान लिया, लेकिन अगर न होते हम धरती पर तो इसकी महिमा गाता कौन। एक ही शब्द में, सॉरी एक ही वाक्य में इन चारों प्रश्न का उत्तर दे डाला। पहला सभासद कहता है, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। दूसरा कहता है, अगर न होते कृषक धरती पर हरियाली लाता कौन। सॉरी, पहला प्रश्नोत्तर हो रहा है कि अगर न होते हम धरती पर इसकी महिमा गाता कौन। तो पहला सभासद प्रश्न फिर करता है कि अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। बीरबल कहता है, अगर न होते कृषक धरती पर हरियाली लाता कौन। इसमें भी तो मनुष्य की ही भूमिका है ना, मनुष्य नहीं होते इस पृथ्वी पर हरियाली कौन लाता। दूसरा कहता है, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्कुराता कौन। बीरबल कहते, अगर न होते हम धरती पर इसकी मुस्कान समझता कौन। जंगल में तरह तरह के फूल खिल जाएं, उसकी कोई महत्ता होगी क्या। जानवरों के बीच फूल की क्या महत्ता रह जाएगी। इसलिए यहां भी मनुष्य को ही श्रेष्ठ माना बताया गया है। तीसरा कहता है, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला भाता कौन। बीरबल कहते हैं, अगर न होते हम धरती पर झरनों से मन बहलाता कौन। चौथा कहता है, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। बीरबल फिर कहते हैं, अगर न होते हम धरती पर इंद्रधनुष उसे कहता कौन। है कि नहीं। जैसे जैसे सभासद का प्रश्न होता था, बीरबल उसका माकूल जवाब, एकदम सटीक जवाब देते जा रहा था। इसको सुनकर अकबर बड़ा प्रसन्न होते थे। फिर पहला सभासद कहता है, अभी प्रश्नोत्तरी समाप्त नहीं हुई, आगे सुनिए। अगर न होती हवा धरती पर जीवन लाता कौन। अगर न, जी बीरबल कहता, अगर न होते हम धरती पर बोलो हवा का क्या होता काम। हमारे ही लिए ना हवा की आवश्यकता है, हम होते ही नहीं तो ये हवा क्यों, हवा की क्या आवश्यकता होती। अब तुम सब मुझे बताओ, सब तैयार हो जाता है, अगर न होते हम धरती पर चांद की चांदनी का क्या था काम। अब बीरबल मनुष्य की महानता का वर्णन करते हुए कहता है, अगर न हो हम धरती पर बोलो सूरज की किरणों का क्या काम। निर्मल नदियों की जलधारा व्यर्थ बहेंगी सुबह शाम। अगर न होते हम धरती पर ऊंचे पर्वतों की है क्या पहचान। सारे सभासद चुप हो गए। अब मनुष्य की महानता का वर्णन करते हुए
इसलिए बीरबल कहे जा रहा है, अगर न होते हम धरती पर, ऊर्जा का क्या है अर्थ। फिर बीरबल कहता, अगर न हो हम धरती पर खुशहाली लाता कौन, ये मंदिर मस्जिद में कारीगरी दिखलाता कौन, ये कपड़े ये भोजन स्वादिष्ट ये पेय पदार्थ बनाता कौन। बोले जा रहा है बीरबल, पूरा सभा शांत है। अगर न होते हम सृष्टि को चलाता कौन, अगर न होते हम तुम जीवन का सौंदर्य बताता कौन, अगर न होते हम तुम इस भूमि का वंदना गाता कौन। इतना सारा बात जो है अकबर ये बीरबल लगातार बोलता गया। अब अकबर जो है शाबाश बीरबल कह के शाबाशी देता है, तूने मेरी जिज्ञासा को शांत कर दिया, सचमुच मनुष्य ही महान है, मनुष्य न हो तो इस सृष्टि का कोई अर्थ ही नहीं होगा। लंबा चौड़ा घर बना लो, आ घर में सदस्य नहीं हो, घर में रहने वाले व्यक्ति नहीं हो, तो फिर इस घर की क्या महिमा रह जाएगी। भगवान ने इस पृथ्वी रूपी बगिया का बगीचे का जो सृष्टि किया है, तो सारी बातों का ख्याल रखते हुए मनुष्य के हक के लिए सारा चीज को ईश्वर ने बनाया है। सारी ये फुलवाड़ियां ईश्वर ने मनुष्य के लिए ही बनाया है। अब कल्पना करो, बहुत बड़ा बगीचा तैयार करो तुम, तरह तरह के उसमें पेड़ पौधे फूल झाड़ियां लता पता, नदी भी उसमें एक तालाब भी कर दो, सब चीज कर दो, लेकिन उसको देखने वाला मनुष्य अगर नहीं देखे, उसका रक्षक कोई नहीं हो, प्रॉपर केयर करने वाला कोई नहीं हो, फूल पत्तियों में पानी पटाने वाला कोई नहीं हो, देख रेख करने वाला कोई नहीं हो, उस बगीचा में जाने वाला कोई नहीं हो, तो उस बगीचा का क्या महत्व रह जाएगा, कोई महत्व रहेगा। इसीलिए भगवान ने ये फूल ये पेड़ पौधे नदी नाले झरना तालाब पर्वत पहाड़ झील मैदान हरे भरे बाग बगीचे तरह तरह के छोटे से बड़े पेड़ पौधे हमारे चारों ओर निर्मित कर दिया है, और उसके बीच मनुष्य को भी बनाया है। लेकिन जिस दिन ये सारे चीज जिस दिन ये सारे मनुष्य मर जाएंगे, कल्पना करो कि जिस दिन ये सारे मनुष्य मर जाएंगे, उस दिन इस सृष्टि का अंत हो जाएगा, उस दिन फिर इस सृष्टि को भोगने वाला कोई नहीं रहेगा। भगवान ने ही मेरे लिए
अपना कुछ प्राकृतिक संसाधन मुहैया किया है, हवा, जल, वर्षा, पानी, आग, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, नदियां, झील, ये प्राकृतिक संसाधन, और इसी के बल पर मनुष्य जिंदा भी रहता है। तो इस ये सारी उपलब्धियां ईश्वर ने केवल और केवल मानव अर्थात सजीव जातियों के लिए बनाया है, नहीं तो आज की ये पढ़ाई आपकी यहीं पे समाप्त हो रही है। नए शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा और अपने अपने कॉपी में जो श्रुत लेख है, एक एक श्रुत लेख को मिनिमम 10-10 बार लिखिएगा। जैसे प्रश्नोत्तरी हुआ, मनोरंजन हुआ, जहाँ पनाह हुआ, उन्मुख हुआ, समाप्त हुआ, जिज्ञासा हुआ वगैरह वगैरह। और नए शब्द जो हैं उसको भी समझ लीजिएगा। स्वादिष्ट का मतलब मज़ेदार होता है, टेस्टफुल। अर्थ का मतलब होता है, व्यर्थ का मतलब बेकार होता है। तो ये सब समझने से आपको आ जाएगा, और आ जाएगा तो धीरे धीरे हिंदी आपकी मजबूत होगी। कोई एक ही दिन में विद्वान नहीं हो जाता है, समझे कि नहीं। कहावत है संस्कृत में, एक एक कण को संग्रह करने से लोग धनी होता है, और एक एक क्षण को संग्रह करने से लोग विद्वान होता है। एक एक क्षण आपका व्यर्थ न गुजरे इसका ख्याल रखना है आपको, समझे कि नहीं। तो प्रश्नोत्तर इसका जो है सो कल हो जाएगा, और डिटेल में होगा, मतलब पूरी धरभर में कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है कि धरफर का काम शैतान का होता है। अब देखिए, हम व्याकरण आपको पढ़ाए हुए हैं तब ना इसमें कह रहा है कि सर्वनाम शब्द को छांट के लिखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द को छांट के लिखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्द को छांट के लिखिए, विशेषण शब्द को लिखिए, क्रिया विशेषण को लिखिए। तो इसकी जानकारी आपको पूर्व में दी गई तब ना आपको लिखने में सहूलियत होगी, समझिएगा। अब व्याकरण की पढ़ाई ही नहीं होती तो फिर कैसे आप समझते हैं। यही होता है जो टीचर आपको भरवा देता, खाना पूरी करवा देता, लेकिन आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते। अब आप अपने स्तर से लिखिएगा तो बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो ठीक है, आज की पढ़ाई को यहीं स्थगित की जाती है। पुनः कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।